एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए, एक बार देख लीजिए, जल्दी तैयार हम परवाना बना दीजिए, एक बार देख लीजिए। वाह, क्या बात है कल्पना जी। थैंक यू सो मच। आज आप हमारी स्वर गुरचरी चैनल में आई है, हमें बहुत खुशी है। दोस्तों, स्वर गुरचरी में मैं नंदिनी त्रिवेदी, आज हमारी मेहमान है कल्पना गंधर्व जी। कल्पना गंधर्व जी के बारे में मैं क्या बताऊं, आजकल बहुत छाई हुई है और ये गाना तो इतना पॉपुलर हुआ है, आप सबने देखा ही है कि हीरा मंडी, जो संजय लीला भंसाली साहब की बहुत ही फेमस सीरीज है और उनमें ये गाना आता है, और आई थिंक बहुत सारे लोग रील्स भी बना रहे हैं इसकी। तो कल्पना जी, आपकी इंट्रोडक्शन में मैं कुछ कहूँ उसके बदले आप आपके गाने के जरिए, या तो आपने जहाँ सीखा है उसके बारे में आप खुद ही बताइए। लेकिन पहले तो मुझे ये जानना है कि हीरा मंडी में ये गाना आपका आया, उसके बाद आपको क्या फील हुआ और आपकी लाइफस्टाइल में कुछ चेंज हुआ? जी ज़रूर, लाइफस्टाइल में बदलाव हुए हैं और लोगों का जिस तरह से प्यार मिला है वो उसे देखकर बड़ी खुशी होती है कि इतनी तादाद में लोग प्यार कर रहे हैं, इतने लोग रील्स भी बना रहे हैं, बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। इट्स गुड। सो बिफोर दैट आपकी लाइफ क्या थी, मतलब आपका जो म्यूजिक की ट्रेनिंग है कहाँ से ही थी, आपने कहाँ से ये सब म्यूजिक की ट्रेनिंग की बात करें तो सबसे पहले यही कहूँगी कि घर से ही शुरुआत हुई है। आई बिलोंग टू अ वेरी म्यूजिकल फैमिली, जो बहुत ही मैं अपने परिवार में मतलब पांचवी पीढ़ी हूँ जो म्यूजिक कर रहे हैं। जो क्या बात करते हैं, सो कौन है वो पांचवी पीढ़ी के जो आपके? मेरे दादा परदादा लाइक सब लोग म्यूजिशियन थे। बेसिकली हाँ, मेरे दादाजी और सारंगी प्लेयर, एंड माय नानाजी इज स्टिल अलाइव एंड ही इज अ लिविंग लेजेंड। What's his name? मोहन सिंह बनावट, एंड he's my guru too. तो उनसे मैंने सीखा है, गजलें उनसे सीखी हैं, कुछ राग सीखे हैं, अपने पापा मम्मी से सीखा है। आप कहाँ से बिलोंग करती हो? मैं आई एम बॉर्न ब्रॉट अप इन मुंबई हमेशा से, बट रूट्स हमारे मध्य प्रदेश में है। उज्जैन से हूँ मैं, महाकाल की नगरी से। अरे वाह जी। तो पापा मेरे वायलिनिस्ट हैं, मेरे पहले गुरु हैं, मेरी मम्मी मेरी मम्मी पापा दोनों से सीखा है। मम्मी बहुत अच्छा गाती हैं जी। अच्छा, गंधर्व, अशोक गंधर्व जी। वेरी नाइस। सो वो लोग यहाँ पे हैं बॉम्बे में? हाँ जी, हाँ जी, अभी बॉम्बे में ही। अच्छा, ओके। तो बचपन से वो ट्रेनिंग मिल रही थी? बचपन से घर का माहौल पूरा सुरीला सा माहौल, हमेशा से म्यूजिक रहा है। तो सबसे पहले घर से ही शुरुआत हुई है। फैमिली में और भी लोग हैं, बहुत पूरा परिवार ही, जैसे मैंने बताया कि म्यूजिशियंस खानदान जी खानदान जी। तो बड़े पापा से भी सीखा है मैंने अपने, और बहुत अपने मेरे भाई हैं पृथ्वी गंधर्व, जो जाने माने। अच्छा, वो आपके भाई हैं? मेरे सगे भाई हैं। अरे वाह, ही इज आल्सो वेरी फेमस। ही इज, या ही इज अ वेरी फेमस सिंगर। उनसे भी सीखा है मैंने, रोज ही सीखना होता है उनसे। अरे वाह, तो बहुत अच्छा ही माहौल है घर में। सो आपकी ख्वाहिश ऐसी ही थी कि बड़े होके सिंगर बनना है या म्यूजिक में कुछ करना है, या कोई और एम्बिशन थी? नहीं, हमेशा से म्यूजिक ही करना था, गाना ही गाना था जी। तो आपके फैमिली से तो आपने सीखा है, बट आपके गुरु कोई थे, मतलब घर के सिवा किसी से ट्रेनिंग ली है? जी, एक जब मैं आई थिंक आई वाज 17-18 इयर्स ओल्ड, तब फिर ऐसा होता है ना कि हम जब घर पे म्यूजिक होता है तो वी टेक इट थोड़ा सा टेक इट फॉर ग्रांटेड या होते हैं। और तो फिर मैंने सीखा है, रितु चौरी जी हैं जो, उनसे आगरा कराना सीखा है, वो बॉम्बे में ही रहते हैं, और उनसे मैंने
मैंने बहुत कुछ 2-3 साल मैंने उनसे सीखा है तो जी क्लासिकल की जो ट्रेनिंग उनसे ली है मैंने जी। तो मुझे आपसे ये पूछना है कि इतने सारे गुरु से आपने कुछ तो ग्रहण किया जी, तो हमें भी आपसे कुछ सुनना है कि आप उनकी सीखी हुई या बंदिश या ठुमरी हमारे दर्शकों को सुना है जी। गुरु तो मेरे बहुत सारे हैं, मैं सबसे पहले उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगी और दिल से उनका यस यस शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्हीं की देन है जो मैं आज जो गाती हूँ गुरुओं को मैं नमन करके मैं सुनाती हूँ जो मैंने ऋतु जौहरी जी से सीखी सर जी। अभी फिलहाल मुझे एक तोड़ी की बंदिश याद आ रही है जो उन्होंने सिखाई थी। अब मोरे नैया पार करो तुम, अब मोरे नैया पार करो तुम, हजरत निजाम दीन आले आ, हजरत निजाम दीन पार करो तुम, तुमरो नाम सदा सुगदाई, तुमरो नाम सदा सुगदाई, सकला जगत में तुम प्रभुदाई, तुमरो नाम सदा सुगदाई। ताज़ा है इसीलिए क्लासिकली नहीं नहीं बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। और आपने निजामुद्दीन औलिया की बात कही जी, तो वो मुझे लगता है शायद अमीर खुसरो के गुरु थे क्योंकि उनके मुझे याद है जब तक दिल्ली में मैं गई थी तो वहाँ उनकी जो दरगाह है वहाँ अमीर खुसरो के गाने बज रहे थे। सो आई थिंक देयर मस्ट बी सम रिलेशन और हमारी पहचान भी वहीं से हुई है। जी, जी, जी। आपने रिसेंटली अभी मुंबई में अमित खुसरो प्रोजेक्ट में जी एक बहुत अच्छा गाना गाया था खुसरो साहब का जी। तो आप थोड़ा सा हमें ये भी बताइए कि ये प्रोजेक्ट से आप कैसे जुड़ी और अमित खुसरो की कौन सी बंदिश या रचना आपको पसंद है। मैं अभिजीत पवनकर जी जो है उनका मुझे एक दिन कॉल आता है और मुझे वो चाहते थे कि मैं इसका हिस्सा बनूं और क्योंकि सूफी म्यूजिक हैज ऑलवेज यू नो बीन वेरी क्लोज टू माय हार्ट एंड आई रियली एंजॉय डूइंग इट। तो जब उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ प्रोजेक्ट है तो मैं फिर मना नहीं कर पाई, मुझे था कि मुझे ये करना चाहिए। तो फिर मैंने बस मेरा एक गेस्ट अपीयरेंस ही था, गेस्ट परफॉर्मेंस था, फिर मैंने वो किया और मुझे उनके आमिर खुसरो जी के बहुत सारे कॉम्पोजिशन हैं जो मैंने बिल्कुल करी थी। आई थिंक मैंने मन कुन तो गाया था और वो मुझे बहुत पसंद है। तो वो सुना सकते हैं थोड़ा सा जी जी। ए मन कुन तो तिलक तो काफी पॉपुलर है जी जी जी। अच्छा तो अब थोड़ी सी हीरा मंडी की बात करते हैं जी। सीरीज तो बहुत ही पॉपुलर हो गई पर आई थिंक आपने जो गाना गाया है जी वो आलम सेब के ऊपर पिक्चराइज हुआ है जी और वो काफी ट्रॉल हुई है पर मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि आपका गाना उसके ऊपर काफी सूट कर रहा था। So, what would you like to say about that? मेरी आवाज़ उन पर सूट कर रही है जी, ये मुझे बहुत लोगों ने बोला है और मुझे भी बहुत अच्छा लगा।
कि ऐसे कैरेक्टर पे मेरी आवाज़ है जो मासूम है, और वो द कैरेक्टर ऑफ आलम सेब इज़ वेरी डिफरेंट एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल कैरेक्टर. सो आई एम हैप्पी दैट आई गॉट द चांस टू सिंग हर एंड लर्न माय वॉइस. पर आपको ये ऑफर कैसे मिली? हाँ जी, मैं ऑफर ये सर के पास मेरी एक वीडियो क्लिप पहुँच गई थी, जैसे पृथ्वी भैया जो हैं हम एक मैचल में थे और वहाँ से उन्होंने एक इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई हुई थी, तो उन्हीं की टीम में से किसी ने वो सुनी और फिर वो सर को फॉरवर्ड की और इस तरह से उनके गानों पर जी हाँ वहाँ से कॉल आता है कि ऑफिस में सर बुला रहे हैं. फिर उनसे मुलाकात हुई, कुछ उन्होंने थोड़ी देर में मुझे सुना और फिर गाना ये फाइनल देने का मतलब उनका इरादा हुआ कि ये गाना आप गाकर देखिए कैसा लगता है. फिर मैंने एक बार देख लीजिए गुनगुनाया और उनके तो आपकी कौन सी क्लिप उनके तक पहुंची थी, कुछ याद है कौन सा गाना था? हाँ जी, दिल जलाने की बात करते हो फरीदा जी का गाया हुआ है. हाँ जी, थोड़ा सा सुनाऊंगी एक आध लाइन. हाँ जी बिल्कुल, बट आई थिंक स्केल वाइज आई डोंट नो, आई विल ट्राई. यू कैन चेंज इट, नो प्रॉब्लम. या आई विल हैव टू चेंज इट. दिल जलाने की बात करते हो आशियां सुंदर गजल सुनाई. लेकिन तनु बैट्स मनु में भी कंगना रनौत के ऊपर एक गाना पिक्चराइज हुआ था, वो आपने गाया था जी. तो वो कौन सा था? ओल्ड स्कूल गर्ल गाने का नाम था और जो दत्तो कैरेक्टर है जो वो बोट में बैठकर जो गाती है. ओके, वो थोड़ा सा सुनाइए. हाँ जी, अच्छा वो गाना सुना. एक साथ एक लाइन सुनाइए. आई माइट बी सेंटिमेंटल बट डोंट so judgmental. So what if I'm an old school girl? I'm an old school girl. I'm an old school girl. आज हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा लगने वाला है क्योंकि आप बहुत अलग अलग तरीके के गाने आपने सुनाए हैं और एक कुछ तो सुनना है. मुझे एक बात याद आती है कि हीरामंडी में तो म्यूजिक बहुत सुंदर है ही, पर संजय लीला भंसाली की हर एक फिल्म में म्यूजिक का पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट रहता है और उनके हर एक फिल्म में एकाध यमन के ऊपर भी गाना होता है. तो आप उनकी फिल्मों के बारे में और संजय जी के बारे में जब आपकी रिकॉर्डिंग हुई तब वो बैठे थे कि नहीं, वो सब बताइए जी. सबसे पहले तो ये सवाल बड़ा अच्छा है कि उनका बेशक उनका जो म्यूजिक है वो बहुत ही स्पेशल है उनकी फिल्मों की तरह ही, है ना. वो पूरी तरह से ये सोलफुल म्यूजिक रखते हैं. yes, वो इस तरह का म्यूजिक बनाते हैं, इस तरह की कॉम्पोजिशन बना रहे हैं कि हम चाहकर भी यू नो उनसे जुदा नहीं रह सकते, वो हमारे दिल में बस ही जाती हैं. तो आपका कोई दिल के नज़दीक गाना हो ऐसा कोई? उनका बनाया हुआ बहुत सारे गाने हैं वैसे, आयत लाल इश्क, हाँ फिर बहुत सारे हर एक फिल्म के हर एक गाने, मतलब कोई भी लो. हाँ, पद्मावत के लो या जी. तो खामोशी का म्यूजिक, हाँ, मुझे बहुत ज्यादा उनका म्यूजिक. तो हमें एक गाना सुनना है.
तुझे संग बैर लगाया ऐसा, तुझे संग बैर लगाया ऐसा, रहना मैं फिर अपने जैसा, ओ प्रोजेक्ट पे आप काम कर रही हो नया? जी, मैंने रिसेंटली 2-3 गाने रिकॉर्ड किए हैं और कुछ अपने ओरिजिनल्स भी रिकॉर्ड किए हैं। आपके खुद के कवर वगैरह बनाती हो? जी, मैं अपने ओरिजिनल्स पर काम कर रही हूँ। और आपकी कोई एम्बिशन है कि क्या करना है इन फ्यूचर आफ्टर दिस हीरा मंडी पॉपुलरिटी? जी, तो अभी फिलहाल तो बस यही है कि और ज्यादा से ज्यादा गाने लोग सुने, और इन फ्यूचर बहुत साल बाद, आई मीन बहुत ज़्यादा नहीं पर 10-1 साल बाद, मैं चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी मैं अपनी कुछ बच्चों के लिए ना स्कूल, म्यूजिक स्कूल, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा वेट नहीं करूँगी। जैसे ही मुझे ऐसा कोई मौका मिला तो मैं ज़रूर ये शुरू करूँगी, म्यूजिक स्कूल शुरू करने की। जी, I think your husband is in this field. Yes. He's a Rohit Kandhar, or yeah, he's a drummer. He's a fabulous musician. तो उनका भी बड़ा support है मुझे, जी मेरी journey में उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। वो तो family के support के बिना कुछ नहीं होता है। And this is good कि आपके ही field के हैं तो he can understand. Yes, of course. That's so nice. So हाँ जी. हमें भी बहुत अच्छा लगा आज तो। थैंक यू जी। संजय सर की जो हम बात कर रहे थे रिकॉर्डिंग के टाइम, रिकॉर्डिंग के बाद, यस वही सवाल, उस वक्त वो थे सामने बैठे थे और उन्होंने रिकॉर्ड करवाया और बड़ा अच्छा लगा। उनसे इतनी सारी चीजें सीखी हैं मैंने, और जो बारीकियाँ एक मैं थोड़ा सा कम कर देती हूँ कि आवाज आई हमारी, जो बारीकियाँ हैं वो उन्होंने एक्सप्रेशन और बहुत सारी चीजें कराते हैं वो। हाँ, एक्चुअली करेक्शन में कराते हैं। हाँ, वो फील यू नो शब्दों में जान कैसे पैदा हो, उसमें लाइफ कैसे आए, एक्सप्रेशंस कैसे आए, सोल तो इस तरह से उनके साथ ना वो एक बहुत अलग यूनिक एक्सपीरियंस था मेरा। और जब मैं अच्छा डिलीवर कर रही थी वो बड़ा खुश भी हो रहे थे। ये एक सबसे बड़ा यू नो क्या अवार्ड है अपने लिए। जी, ये सीखना मिले वो ही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि संगीत साधना है। जी, और उसमें हर वक्त हम कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। जी, तो कल्पना जी अब एक आखिरी सवाल नहीं है, एक राउंड है हमारा। जी, चैलेंज राउंड। जी, तो आज आरटी बर्मन साहब का बर्थडे है। हाँ, यस तो मैं चाहती हूँ कि आप ये गजल, ठुमरी, बंदिश बहुत कुछ सुनाया, तो फिल्मी गानों की कुछ मेडली कर ले तो। जी जी बिल्कुल, मैं तो कोशिश करूंगी। जी, मैं चैलेंज आपको करूंगी, लेकिन कसौटी मुझे देनी है आपके सामने। जी, बट वी कैन स्टार्ट दैट। या सो आरटी बर्मन को आज याद करके सेलिब्रेट करते हैं, आप शुरू कीजिए। हाँ जी, तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना, बिन तेरे तेरे बिन साथिया, सांस में सांस आए ना, चलेगा शायद। आशा खिल आए बदरा सम
आरडी बर्मन साहब का पहला कम्पोजिशन है। जी जी जी, क्या बात। और एक सुनाइए, बस एक लास्ट एक राउंड कर लेते हैं। जी इसी माहौल में मुझे कुछ याद है। तुम जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी, तुम आ गए हो नूर आ गया। से ही समापन होना चाहिए। रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगे कैसी ये गम। रिम झिम गिरे सावन। वाह क्या बात है, आज सावन का ही मौसम है जी, और इसमें बिल्कुल ये गाना सूट होता है। तो कल्पना जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और स्वर गुरुचरी के हमारे दर्शक मित्र आपको भी ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। स्वर गुरुचरी के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद नंदिनी जी। थैंक यू सो मच।